रोल और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। नहीं, राइटर रियल लाइफ में होते हैं और किसी लाइफ में भी राइटर होते हैं क्या? अच्छा, आपका पॉइंट है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या राइटर बनना चाहता हूँ। अच्छा, पॉइंट ऐसा है कि मैं एक्टर ही हूँ। जब मैंने इस फील्ड में स्टार्ट किया काम, तो मैंने एज एन एक्टर स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब मैं सीखता गया काफ़ी, 4-5 साल काम करने के बाद, फिर उसके बाद मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता था तो एक होता ना, एक विजन आता है आपके माइंड में। तो कुछ ऐसे विजन्स आते थे मेरे माइंड में कि यार, ये जो डायलॉग लिखा है इसमें अगर ये लाइन्स एड ऑन हो जाएँ तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है, या इस सीन को अगर इस तरह से शूट किया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो कुछ आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा कि ये टाइटल शादी के पतासे हैं, क्या होगा? हाँ, हमारे माइंड में ये चल ही रहा था कि शादी से रिलेटेड कुछ टाइटल होना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग बना रहे थे, कुछ टाइटल्स अलग अलग नाम बता रहे थे। क्या क्या बना रहे थे? शादी के लड्डू, पता नहीं, शादी की जलेबियाँ, कुछ ऐसे ऐसे बनाए जा रहे थे। फिर ये इन्होंने बोला कि शादी के पतासे, अर्जुन भैया ने बताया कि ये एक टाइटल ये है, ये अच्छा लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बताशे बोलते हैं, आई गेस, है ना? तो हमारे वहाँ पतासे बोलते हैं, जो एक मिठाई होती है जो शादी में बांटी जाती है। तो ये इसमें सॉन्ग मैं देखो मैं बेशक कश्मीर से हूँ, बट लेकिन मुझे मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, डोगरा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कश्मीरी सॉन्ग तारिक आपको सुनाएगा, हरमुख बर्तल, क्योंकि इसको कश्मीरी आता। गाते हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी शर्मा रहे हैं। अब बाद में बोलेंगे कि यार वहाँ पे कवर नहीं किया, इसलिए मैं गा ही लेता हूँ कश्मीरी। एक तो पंजाबी सॉन्ग भी है इस पे, एक इसमें पंजाबी सॉन्ग भी है, मतलब जो नेहा वसीन का ओरिजिनल ट्रैक है, वो एक फोक सॉन्ग है, तो वो शादी में जो हमने यूज़ किया गाना। पहले मैं उसकी 2 लाइन्स बताऊंगा, फिर कश्मीरी की 1 लाइन सुनाऊंगा, ठीक है? नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। पहली बार मैनू द्योर लेने आ गया, पहली बार मैनू द्योर लेने आ गया। द्योर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, एक्चुअली हमारी फिल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये हमारी विश रहेगी। मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये एक जो मूवी है, ये लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा है और ये फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी है, क्योंकि आज की ऑडियंस यही चाहती है कि वो जब थिएटर में जाए तो वो रिलैक्स हो जाए, एंटरटेन हो। तो ये एक मूवी जो है, ये आपको उसी तरह से रिलैक्स फील कराएगी, एंटरटेन एट द सेम टाइम इसमें जो ह्यूमर है, कॉमेडी है, वो आपको एंटरटेन करेगी। तो ऑडियंस को साथ में ह्यूमर के साथ साथ उनको मैसेज भी मिलेगा। तो एक सिंपल सी स्टोरी है जिसे हर एक ऑडियंस रिलेट कर पाएगी अपने आप को। तो ऑडियंस थिएटर्स में जाएं, मूवी देखें और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको मूवी कैसी लगी। मेरा तो यही विषय है कि आप ये फिल्म देखने जाएं। अभी आप फ़ोन पे बिज़ी हो गए तो मैं क्या बोलूं? मेरा विषय यही है कि आप ये फिल्म देखने जाएं, क्योंकि आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो ये bollywoodhelpline.com के थ्रू जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो सब लोग ये फिल्म देखने जाएंगे। और फिल्म के बारे में हम लोग बता चुके हैं, मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि 1.5 घंटे में आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग एंटरटेन ही होंगे। और आप जाइए, इस वजह से उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो रही हो बॉलीवुड के, तो बॉलीवुड में ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्ड सिनेमा ही आप करो। आप जिस तरह से वो अभी काम कर रही हैं, जैसे उन्होंने इसमें किया था, दंगल में किया था, सीक्रेट सुपरस्टार में किया था, अभी रिसेंटली उनकी एक और शूट ख़त्म हुआ है, द स्काई इज़ पिंक, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट वो कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है।